रेपिस्ट भीषण जी, बीरभूषण जी, आरोपी बीरभूषण बोलने में शर्म लग रही है। रेपिस्ट तो आपकी हिम्मत नहीं है। मैं इस मीडिया को सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए। आप औरत हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं और जिसके नहीं हो रहे हैं उसे देख नहीं रहे। चलिए, उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ औरत आप यही बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इशूज भी हुए हैं औरतों के साथ। उनका FIR तो हो जाती है पर उनको इंसाफ नहीं मिलता, और ये इसीलिए यहाँ पर बैठी हैं कि उनके साथ जब बुरा हुआ है, अगर FIR हुई है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी पोस्ट क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? अगर कोई एथलीट है, जब वो आगे जा करके जीतता है, गोल्ड जीतता है, सिल्वर जीतता है, कुछ भी जीतता है, तो कोई ये नहीं बोलता है कि वो हिंदू जीता, मुस्लिम जीता, लड़की जीती, बच्चा जीता, हर जगह कहते हैं इंडिया गोल्ड जीता है। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इन्होंने जितवाया इंडिया को हमेशा। अगर जैसे कोई फीमेल जीता गोल्ड, या कोई भी फीमेल मेल गोल्ड कुछ भी जीतता है, तो पूरे न्यूज़ चैनल स्टार्ट हो जाते हैं कि इसका बाप गरीब था, इसकी माँ यहाँ काम करती थी, ऐसे मेहनत करके पूरी स्टोरी लाइन और ये और वो करते हैं। और आज जो इनके साथ बुरा हुआ है, और अब इन्हें ज़रूरत है मीडिया की कि हम वो हमारे लिए भी वो बोले मीडिया में, कि जिन जिनको पता नहीं चल पा रहा है, जो इतना नहीं बाहर आ पाते, एटलीस्ट वो मीडिया वो न्यूज़ दे करके वो न्यूज़ दे करके वो आए यहाँ पर, मगर मीडिया भी नहीं बोल रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो महिला पहलवानों का जो धरना है, इसके पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। देखिए, विपक्षी दलों का हाथ नहीं है, इस फीमेल एथलीट के साथ बुरा हुआ है, वो तभी इसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, और इसलिए वो यहाँ पर बैठी हैं कि उनके इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो इनके साथ बुरा हुआ, और जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो हमारे संविधान हमें हक देता है कि अगर आपके साथ अगर कुछ हुआ है आप नहीं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, और जब ये प्रोटेस्ट कर रही हैं तो अब इनके साथ बुरा भी, उन्हें मारा भी जा रहा है, पानी पे बरसात जो उस दिन हुई थी, बारिश हुई, लाठीचार्ज, ये सब कर दिया। देखिए, पहली बात, जो गलती करता है कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने गलती करी है, कोई नहीं मानेगा, कोई भी कुछ गलत करेगा नहीं मानता है। मैं उन्होंने गलत करा है, और फीमेल लड़की उभर कर आ रही है, जैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब चीज़ें होती हैं, पर लड़कियां नहीं बोल पाती हैं कि फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी है, और भी इज्जत क्या रह जाएगी। और मैम, अभी जो ये चीज़ हुई है, इसको देख करके इंडिया के इतने सारे आने वाले जो मेडलिस्ट बनने वाले थे, वो फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स ने उनका नाम वापस ले लिया है कि हर स्पोर्ट्स से, कि नहीं, आज इस बेटी के साथ हुआ इसे इंसाफ नहीं मिला, कल को हमारी बेटी के साथ भी होगा, हमें कौन इंसाफ देगा? इसे ये तो प्रोटेस्ट कर ले रही है, कल को हमारी बेटी के साथ हो गया तो कौन करेगा, कौन बोलेगा? तो इसको देख करके इतनी सारी फीमेल एथलीट्स के पेरेंट्स उनका नाम ले लिया है। राजनीतिक दल के कई बड़े बड़े नेता, छोटे बड़े नेता आ रहे हैं, क्या राजनीति रोक गया? सिर्फ देख रहे हैं कि कुछ सहायता, कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है? देखिए, बात सपोर्ट, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि जो इन फीमेल जिनके साथ बुरा हुआ है उन्हें इंसाफ मिले, उनके साथ जो बुरा हुआ है उसे, मतलब ये है कि उसे अपने उन्हें अपने वो जो पोस्ट पर है वो हटें, और इन्हें सपोर्ट, मतलब ये है कि जो जो लोग ये देख रहे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आए और इनका सपोर्ट करें कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है। जो जो लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं, लड़की लड़का जो भी है, वो आ करके यहाँ पर इनका सपोर्ट करें। भूषण का आपने एक बयान सुना होगा, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं मोदी जी को डायरेक्ट अटैक करने का आंदोलन है, उनकी पार्टी को बदनाम करने का, उनका छवि को बदनाम करने का। देखिए, मोदी जी तो खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये है, हम मोदी जी को नहीं कर रहे हैं, जिसने बुरा करा है हम उसे बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी, हमारे साथ बुरा हुआ है, आप हमारे PM हैं, आप हमारी मदद करिए, आप हमें इंसाफ दिलाइए, हम उन्हीं से तो मांग रहे हैं, हम उन्हें कोई मोदी जी को बुरा बोल ही नहीं रहे। एक ट्वीट भी नहीं आना केरला स्टोरी पे, वो डायरेक्ट कह रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं कि जाके मोदी देखिए, इस पे एक ट्वीट नहीं आना, उसको किस तरीके से देखिए? केरला, क्या केरला स्टोरी पे वो जाके कहते मूवी देखिए, हाँ। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट है उनके पास 400 मीटर दूरी पे, वो एक ट्वीट नहीं कर रहे, बयान नहीं दे रहे, इस पे क्या? देखिए, केरला स्टोरी ये तो कोई अलग, आप तो दूसरी बात बोल रहे हैं, एकदम मूवी की बात बोल रहे हैं कि हाँ, उस पे सवाल कर रहे हैं पर इस पर नहीं बोल रहे हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जब वो और सारी जो आज जैसे और सारी मूवीज ये सब जो हो रही है उन पर वो कर रहे हैं, मतलब अभी जो हमारे हिंदुस्तान का मेजर मुद्दा है, इसलिए उस पर नहीं। स्टोरी है, उसमें दिखाया गया कि 32,000 नॉन मुस्लिम लड़कियाँ को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, मोदी जी उस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन यही हिंदू लड़कियां जिनको बैठा के मोदी जी इनके साथ बैठ के सेल्फी लिए थे। देखिए, वही तो मसला है कि जो चीज उनका मानना है कि केरला स्टोरी में मुसलमानों को, मतलब जो भी दिखाया जा रहा है कि औरतों के साथ बुरा हो रहा है, जो भी लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है, यहाँ पर भी तो औरतों के साथ बुरा हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं मोदी जी, बताइए? अब मतलब ये हुआ ना कि किसी और क्या औरत क्या बुरा हो रहा था, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसके नहीं हो रहे हम उसे देख नहीं रहे। चलिए, उन्होंने बोला कि केरला स्टोरी देखो, केरला स्टोरी देखो, वहाँ औरत, आप यही बोलना चाह रहे हैं ना कि औरत के साथ गलत हुआ है, उन्हें
कन्वर्ट करा गया, भेजा गया सीरिया, ये सब हुआ, तो वो कह रहे कि जाकर देखो। तो ये भी तो बुरा है ना कि औरत को सेक्सुअल हैरेस करा गया, अब वो प्रोटेस्ट कर रही है, तो यहाँ मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। ये वही बेटियाँ हैं जिसके खाते समय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अपने देश की बेटियों पे गर्व है, नाज है, लेकिन एक बार भी उनका कोई भी संदेश या कोई भी मन की बात भी कर चुके हैं, 100 अपडेट भी पूरा उनके हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन बेटियों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं। देखिए जैसे आपने भी बोल इतना देखिए मेजर यही है कि जैसे आपने अभी मुझे बोला कि वो बोलते हैं कि बेटियां हमारी ये कर रही हैं, बेटियां हमारी वो कर रही हैं, अब जब उनके बेटियों को उनकी ज़रूरत है वो बेटियों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो खुद के इतना उन्होंने स्लोगन बना दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज जब बेटियों को उनकी ज़रूरत है कि वो आए बेटियों के लिए बोलें कि हाँ तो अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन जैसे आप ना ट्वीट कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं जो अभी, और वो ब्रजभूषण सिंह जो है वो अपनी पोस्ट पर भी अड़ा हुआ है। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि रोडों पर अगर आपको अन्याय मिलने लगे तो मेरे पास भी इतने लोग हैं कि मैं इससे ज़्यादा लोग खड़ा कर दूंगा, वो कह रहे हैं कि खड़ा कर दूंगा। देखिए वो ये जो कह रोडों पे बैठे नहीं है, ये रोडों पे खड़े नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है अगर आपके साथ तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, हमें हमारे संविधान ने हक दिया है, और ये बैठे हुए नहीं है, ये जो ये सारे एक साथ हुए हैं कि जिस फीमेल के साथ बुरा हुआ है उसके लिए बोले, वो इसके लिए बोले तो ये सबूत। देखिए सबूत की जो आपने बात करी है जो सबूत की आपने बात करी है जो ये फीमेल एथलीट है उन्होंने तो जब तक वो FIR नहीं करवाएंगे जब तक वो बैठेंगे नहीं मतलब जो टीम नहीं बैठेगी क्या हुआ है तभी तो आगे कोई चीज़ करेंगे। मतलब क्या FIR दर्ज हो चुकी है तो 24 घंटे में गिरफ्तारी है मैडम, ये कह रहा हूँ मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरे पास, वो कहते हैं कि लाल आंखों से मेरे डर जाते हैं सारे जितने भी अपराधी है, कोई भी योगी जी कहते हैं मैंने माफिया को मिला दूंगा, लेकिन मोदी जी अभी तक ब्रजभूषण के बारे में ना कुछ कहा ना कोई ट्वीट आया, वो तो पूछा हमने, तो क्यों नहीं कर रहे मोदी जी को डर है या क्या वजह? अब ये तो मोदी जी के पास जाना पड़ेगा आपको पूछने के लिए, ये तो आपको मोदी जी के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए कि मैं कैसे जवाब दूँ इस चीज़ का। मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं, पाकिस्तान के जो है चाइना को लाला दिखाते हैं, पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा अटैक कर करके आते हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये मोदी का विरोध है? आपने आपने अभी सवाल किया, वही आप बोल रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं आप पहलवानों की, आरोपी लगाने में आपको दिक्कत है क्या? आरोपी तो है वो कम से कम, तो आप कह तो सकते हो ये बिटिया है, मेरी बिटिया भी इन्हीं की उम्र की है, मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, आप इतने सवाल दाग रहे हो, समस्या ये है कि जहाँ सवाल दागे जाने चाहिए वहाँ नहीं दागे जा रहे, आप देश को ये नहीं बता रहे कि यहाँ बैठी जो पहलवान बेटियाँ हैं मेडल दिलाए हैं देश को वो क्या कह रही हैं? बीरभूषण जी आरोपी बीरभूषण बोलने में शर्म लग रही है, रेपिस्टी तो आपकी हिम्मत नहीं है, मैं इस बिटिया का सलाम करता हूँ, इसकी उम्र देखिए, आपके इतने सवालों का जवाब दे रही है बेतुके सवालों के, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ ब्रजभूषण जी बोल के आप आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप आरोपी कहने में डर लग रहा है आप लोगों को, आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आरोपी नहीं लगा सकते आप उनके आगे? ब्रजभूषण क्या कह रहा है, ये बेटियां क्या कह रही है, ये बेटी क्या कह रही है देश की? अच्छा सुनिए सर, मोदी जी का चुप्पी को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बेटी के साथ बैठ के चाय पी के वोट बैंक, तो मैं उनका मोदी जी का इतिहास है जनाब, मोदी जी का इतिहास है, मोदी जी का इतिहास सर, मैं आज अपने को भी कोस रहा हूँ, मेरी भी जवान बेटी है, मेरी भी बेटी इसके बराबर ही है, मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी ही मेरे बगल में खड़ी है, कि जब जब देश पे संकट आया है तब तब मोदी चुप ही रहे हैं, तब मोदी कहाँ मिले हैं, कोरोना काल में कहाँ मिले हैं, लासू के ढेर में कहाँ मिले हैं, पुलवामा में कहाँ मिले हैं, कब मिले आपको मोदी? दिक्कत यह है कि सवाल जहाँ होने चाहिए वहाँ वो सवाल नहीं हो रहे, अगली पहले तो बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की, और जो बोल पा रहे हैं ये मेरी बिटिया देखो कैसे पसीने से तर बतर हो रखी है, इससे सवाल जवाब करे जा रहे हैं, और मैं इसको सलाम करता हूँ कितनी खूबसूरती से, जितनी इतनी नॉलेज है जितनी इसकी जानकारी जिसका दर्द है उनसे आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही है, वहाँ सवाल कीजिए ना यार, कम से कम आरोपी तो लगाइए उसके साथ, एक आरोपी लगाने में डर रहे हो, चौथा स्तंभ तुम मीडिया का, मुझे नहीं पता अब मैं यहाँ से हिलूंगा तो उसके बाद मैं कहाँ आऊंगा, मेरे साथ क्या, लेकिन यार थोड़ी हिम्मत दिखाओ, इस बच्चे से सीखो, इन पहलवानों से सीखो, इस देश का भविष्य तुम्हारे भी कंधों पे है भाई, तुम्हारे भी आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी,
क्या तुम बिरभूषण जी आरोपी आरोपी बोल, आसाराम के पीछे कम ताकत थी, राम रहीम के पीछे कम ताकत थी, वो चिंत्यानम के पीछे कम ताकत थी, तब भी तो यही लोग खड़े थे। क्या हुआ जब देश की जनता खड़ी हो गई, जब मीडिया खड़ा हो गया, तो आज वो कहाँ है? देखिए आसाराम जो है इतने बड़े पावरफुल थे, उनकी अरेस्टिंग हो गई, तो बिरभूषण जो आरोप जिन पे आरोप लगाया उनकी टाइम लगा, उस पर भी जनता से सवाल हो रहे थे, उस पर भी बच्चों से सवाल हो रहे थे। ये इस बेटी का जो पसीना बह रहा है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेडलिस्ट जो यहाँ पे रात दिन बैठे हैं, इनकी आवाज इनकी आह में सब बह जाएगा। अपनी जिम्मेदारी निभाइए जनाब, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, होगी गिरफ्तारी। मोटी चौड़ी है, करेगी असर। टिकट साहब कह के गए हैं दूसरी डोज तैयार है, पहली डोज का तो टाइम पूरा होने दीजिए, दूसरी डोज भी आ जाएगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या मोदी जी को सद्बुद्धि दे, जल्दी अपराधी को गिरफ्तार करा। सामने है आपकी बिटिया, बहुत ही मेरे को थोड़ा सा दर्द ये हुआ कि मैं इसमें इस बिटिया की जो आपके सवाल थे, मैं इसमें अपनी बिटिया की झलक देख रहा था, तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ कि सवाल जहाँ प्रॉब्लम ये है, जहाँ सवाल करने चाहिए, जिससे करने चाहिए उससे नहीं हो रहा। बिरभूषण ये कह रहा है, बिरभूषण वो कह रहा है, अरे एक आरोपी क्या कह रहा है, किसको इससे लेना देना है? सिर्फ मीडिया को इससे लेना देना है? ब्लैक डे आप लोग आज मनाए हैं, ब्लैक डे मनाने के पीछे क्या है? तो जहाँ जहाँ कानून का राज ना हो, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्मृति ईरानी जी महिला आयोग सारे इतने बगल में रहते हैं, है अगर वहाँ ब्लैक डे नहीं होगा तो और क्या होगा? वहाँ काला इतिहास ही लिखा। मंत्री कोई भी नहीं है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे महिला मंत्री? क्या कोई महिला मंत्री नहीं है? रात दिन टीवी चैनलों पे चल रहा होता हो तो ये तो आप, अब तो कर्नाटक का भी चुनाव खत्म हो गया। आप इस बिटिया से अभी आप अभी कोई केरला की फिल्म की बात इस बिटिया से कर रहे थे, इस बिटिया से बात कर रहे थे, वो तो मुद्दा आपने जिंदा करा है, वो तो कर्नाटक चुनाव का मुद्दा था, वो पिक्चर भी पिट चुकी है और उसको चलाने वाले लोग भी पिट चुके हैं, मीडिया उसको जिंदा रख रहा है केरला स्टोरी को, हर इलेक्शन में एक ना एक स्टोरी आ जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है, क्या ये जुमलेबाजी करते हैं क्या सरकार? बिल्कुल जुमलेबाजी, क्या आपको दिख नहीं रहा? मुझे कहने की क्या जरूरत है, वो तो सबको आपको दिख ही रहा है, ये तो जंतर मंतर बता देगा। आप देश की आवाज, पहलवानों की आवाज खड़े हो ये बता देगा, उठाइए। क्या है जो लोग, बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाने का काम ना कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ये देश आपसे भी सवाल करेगा, आपकी आने वाली नस्लों से भी सवाल करेगा। Yeah, yeah, yeah.